लगता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश किसको किधर चुनेगा, किसको चुनेगा? योगी को। भैया बिहार देख लेना, कलकत्ता देख लेना, महाराष्ट्र देख लेना, जितने भी ये पत्थर के शिकार हुए हैं, बीजेपी ओनली बीजेपी, सभी राज्यों से मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, पत्थर मारने को अगर सजा देनी है, पत्थर मारने को पूरे यहाँ से पाकिस्तान लोड करके भेजना है तो भगवा झंडा लहरा दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की समस्या है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगारी है, मायावती के सारे विधायक बेरोजगार हो चुके हैं, अखिलेश यादव की भी, समाजवादी पार्टी के भी सारे विधायक बेरोजगार हो चुके हैं। ये बेरोजगारी वहाँ आई है, और बेरोजगारी आई है चोर डकैतों के पास, सारे चोर जेल में पहुँच चुके हैं, सारे डकैत दफन हो चुके हैं, इनको इतनी बेरोजगारी आई है, जो पहले चोरी कर करके, किडनैपिंग कर करके, ट्रांसफार्मर चुरा चुरा के जो माल भेज देते थे चोर, ये सारे अब महकमे के मारे डरे हुए हैं। पता है इनका, योगी आदित्यनाथ अगर आ गए तो भैया जितने भी आपने चोरी कर करके करोड़ों के, अतीक अहमद को देख लीजिए, पूरा बिल्डोजर पीला पंजा चल रहा है धुआंधार, तो चोर अब घबरा रहा है, चोर अब घबराहट में है, चोर बेरोजगार डाकू बेरोजगार जो सारे। एक मिनट सर, किस बारे में बता दें? मैं ये कह रहा हूँ 2024 में किधर जाएगा मामला? देखो 2024 जो है ना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जो प्रधानमंत्री आज के टाइम पे है, ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है और न आने वाले 100 सालों में होगा, है ना, ये पब्लिक सब जानती है। और ये जो ईडी और ये सीबीआई का अड़ंगा है ना, ये तभी उठ रहा है जब ये बड़े बड़े चोरों पर इन्होंने रेड डाली है। अगर यही आम जनता पर होती है तो विपक्ष वाले कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन जब बड़े चोरों को पकड़ने जाते हैं तो उसका हौला ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है, जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है, तो कष्ट वाले एक तरफ, भ्रष्ट वाले एक तरफ, भैया बीजेपी को ले आना। ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है कुल मिलाकर? नहीं नहीं, कुछ कोई मिसयूज नहीं है। ईडीआई का अगर मिसयूज हो रहा है तो हमारे पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, वहाँ क्यों नहीं जाते? हाँ, उनके पास कोई जवाब, जिसको भी रेड डाली है क्या उसके पास कुछ निकला तो है ना, जो भी जेल में गया है ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ, कुछ ना कुछ तो है और बहुत कुछ है। और ये इतने बड़े आदमी बन गए तो कुछ करप्शन करके तो बने। हाँ, तो ईडी और सीबीआई का तो यूज ही अभी होने लगा है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सर एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या ईडी सीबीआई मर गई थी क्या? क्यों नहीं इसका उपयोग किया कांग्रेस ने? कह रहे हैं कि बीजेपी में सब पढ़िया है क्या? बीजेपी पढ़ी लिखी है, इसको पता है कि सीबीआई भी कुछ होती है तो उसका उपयोग करने लगी। ये लोग तो सोचते ही नहीं थे कि सीबीआई क्या होती है, कोयला घोटाले में व्यस्त थे, इनको क्या पता चले जब खुद ही चोर अपने घर में क्या सीबीआई लगवाएगा। बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के पास कोई ऐसा, एक मिनट, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव में क्या हुआ था, कितने नेता बीजेपी को छोड़ के अखिलेश के साइड में भाग रहे थे? क्यों भाग रहे थे? इसलिए कि वहाँ खाने को नहीं मिल रहा था, खाने के लाले पड़े थे, सोचे थे अखिलेश में जाएंगे तो दबा के काटेंगे, काटने को मिला नहीं, बीजेपी छोड़ अखिलेश में भागो, अब बीजेपी जीत गई, फिर रात भर भाग गए बीजेपी में। क्यों भाग गए? ये सिर्फ पैसे के साथ ही है, सोचे भागे चोर कुत्ता सही, कुछ भी पाया वो भी काट लो, यही कारण था, नेता उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सीबीआई और ईडी का जो ये विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी आप भी 5000 करोड़ के घोटाले से जमानत पे बाहर हैं, आपकी मम्मी भी 5000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे बाहर हैं। अगर ये सारे ही मोदी के गुलाम होते, सुप्रीम कोर्ट भी, सीबीआई भी, ईडी भी, तो अब तक आपको उम्र कैद सजा हो चुकी होती, पूरे कांग्रेस को ये जेल में पटक देते और सुताई हो रही होती। ये तो आप जो इन पर आरोप लगा रहे हो, अपनी इमरजेंसी याद कर लीजिए, जो आपकी दादी ने लगा दी थी, सारे नेता वेता सब मीडिया पत्रकार बिना उनकी मर्जी के कुछ छाप नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये आरोप लगाना पहले अपने गिरफ्तार में झांक लीजिए, फिर बीजेपी की बात कर दिए तो एक बात निकल के आ गई बिहार से, तेजस्वी यादव ने तो मनीष कश्यप को अंदर करवा दिया। हाँ बिल्कुल फेक न्यूज़ फैला रहे हैं वो, जितना उनका इनका लालू प्रसाद यादव का जितना भी घोटाला था, जो सच बातें थी वो जैसे जैसे बोलने लगे तो जिसकी पेंट उतरती है भैया उसी को तो खतरा होता है, वही पेंट उतारने वाले को पकड़ लेगा जाके। और तेजस्वी यादव और ये लालू प्रसाद यादव, मनीष कश्यप, उनके 2024 का जो मास्टर प्लान था, महाठगबंधन जो बन रहा था, उसके बीच में रोड़ा जो बने हुए थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले रोड़ा को हटाइए, पर मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है और वो निर्दोष साबित होगा और बाहर आ जाएगा। ठीक बात, आप कहाँ से सर? हाँ बलिया। क्या लगता है 2024 में किधर माहौल ठीक होगा, हैट्रिक होगी या फिर कोई नया आएगा? हैट्रिक होगी, कंफर्म है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है काफ़ी बढ़िया रही है, खासकर यूथ को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके, और जो स्टार्टअप इंडिया करके और जो इजीनेस ऑफ बिजनेस में इंडिया को जो रैंकिंग काफ़ी डेवलप हुआ, 120 से लगभग आप 60 अंडर टॉप 50 में आ गए हैं। एविएशन में देख लीजिए तो एविएशन में 105 से लगभग हम लोग टॉप 50 के अंदर आ चुके हैं। तो ये जो लगातार एक सडन ग्रोथ दिख रहा है, जो सडन एक जे कर्व दिख रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, और जो मोदी जी एक 65-70 की एज में इतना ज़बरदस्त तरीके से एक यंगस्टर की तरह काम करें दिन रात,
वो भी बिना स्वार्थ के, मतलब उनका कोई फैमिली है नहीं, ऐसा नहीं करोड़ों रुपए बोरे में भर के अपने घर पे ले जा रहे होंगे, ठीक है, ना ही उनको कोई क्या बोलते हैं किसी बंगले का उनका स्वार्थ है, जैसे कई लोग बंगले पे सांप बन के बैठे हुए छोड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा उनका जो एक लोग को दिख रहा है, लेकिन लोग कुछ भी आके बोल सकते हैं, बट जब ईवीएम बटन दबाने जाते होंगे तो मोदी जी का चेहरा सामने दिखता होगा तो उनको समझ में आएगा कि ईमानदार एक बोल्ड नेता है। आप देख लीजिए ना, आप पुराने वीडियोज़ देख लीजिए, तो हम लोग का कोई नेता अगर फॉरेन जाता था तो हम लोग सोचते थे कि बड़ी बात हमारे लिए, लेकिन आज वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब कोई आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, कल ही पोलैंड के जो वो थे राजनायक थे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, तो जब एक नेता मजबूत बनता है तो हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जो सॉफ्ट पावर है वर्ल्ड में, वो भी बहुत ही अच्छे से जाता है, लोग मजबूत समझते हैं। जी तो कह रहा है कि यूथ हमारा बेरोजगार है। देखिए जैसे जो एक कहावत सुने कि जो लोग जैसे होते हैं वो सोचते हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार सब है। तो देखिए अगर हम अपनी बात करें, मेरे सराउंडिंग में कोई बेरोजगार नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने बोला कि बेरोजगार है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष विपक्ष कह रहा, जो भी कह रहा हूँ, एक्स वाई जेड, बेरोजगार वो है जो या तो निकम्मा या कामचोर है या मुफ्तखोर है। इस जिस व्यक्ति में काम करने का कुव्वत है, अब इस पूरी मार्केट में उठा के देख लो, वो सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपये कमाने वाला भी है और 1000 रुपये भी कमाने वाला है। तो जो जो काम करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है, और जिससे काम नहीं करना वो हर सूरत पे बेरोजगार है, वो हमेशा रोता रहेगा, वो किसी भी सरकार हो। अगर अगर बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी है तो कंसल्टेंसी वाले झक मार रहे हैं। अब बताइए, इतने कंसल्टेंसी वाले हैं, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आपके घर पे आएंगे, उनको पैसा मिलता है भाई, उनको पर जॉब 6,000 से 10,000, 20,000 रुपये मिलते हैं आपको जॉब दिलाने के। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जॉब लेने के लिए, स्किल्स ही नहीं लोगों के पास। आप बोलेंगे सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अनपढ़ हो गए हैं कुल मिला के, अनपढ़ नहीं हो गए हैं। देखिए हमारे देश में ना एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी व्यवस्था खराब है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जिस दिन खराब अच्छा हो जाएगा ना, आप थ्योरेटिकल चीज़ों से बढ़ के आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे आइए। लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है जॉब लेने के लिए। अगर आप खुद सोचिए, आप एक कंसल्टेंसी चलाने वाले हैं, आपको लोगों को जॉब देना है, कि आप कह रहे हैं कि सब एकदम मजा मजा है, सब सब मस्त है ना, अच्छा है, लोगों को अपने में सुधार लाने की जरूरत है। देखो इस समय रामराज चल रहा है, रामराज में आप बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है। भैया इस समय यदि इस समय आप कुछ नहीं कर सकते तो कभी कुछ नहीं कर सकते। राज की बात कर रहे हैं और राम के जो जुलूस में पत्थर चल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब। ऐसा ना कि आप देखो मोदी जी और योगी जी, मां की अमित शाह जी सब देख रहे हैं, बहुत जल्दी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, बहुत जल्दी ममता जी, क्योंकि ये सारे दल समर्पित हैं, ये लोग सारे जेल जाने वाले हैं, और साथ में आप बोल रहे हैं हाँ वो सब्जेक्ट, वो सारे जेल जाने वाले हैं, कुछ लोगों का नंबर है, साथ में आप केजरीवाल जी भी थोड़ा संभल के रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी अभी शांत थे, बीच में शांत थे, उन्होंने देखा मनीष सिसोदिया जी चले गए, आपका कहीं ना कहीं मेरा नंबर है, थोड़ा मैं मोदी को गाली दूं, मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलूं, मोदी थोड़ा डर जाएगा, अरे भाई।